अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। वेलकम टू अनदर ब्लॉग एंड वेलकम टू निमराज चैनल। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली वो सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकॉन ताकि आपको आने वाली हर वीडियो जो है नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों को रिसीव हो सके। आज का जो ब्लॉग है वो है जी कि मैंने मुल्तान से कौन सी शॉपिंग की है, क्योंकि हम लोग आ चुके हैं मुल्तान से वापस। और आज जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो मुल्तान से मैंने शॉपिंग की है। एंड वो रही यहाँ, इतनी सी मैंने शॉपिंग की है और बस जो भी लिया है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इसका भी बनाया है कि अपने लिए जो चीज़ पसंद आती है वो हम लोग ले सकते हैं। और जी आप लोगों का भी शुक्रिया, क्योंकि मैंने आप लोगों से पहले भी आपको थैंक यू कहा था कि मेरे जो हैं वो 1K सब्सक्राइबर्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहिए कि मैं जो अपने जो गोल है उसको अचीव कर सकूं। और चलें जी, अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो जो मैंने शॉपिंग की है। ओके जी, सबसे पहले जो है हम बैठ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सारे जो पैकेट्स पड़े हैं उन्हीं के अंदर जो है वो सब कुछ है जो मैंने वहाँ से परचेज़ किया है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी शूज़ से, कि मैंने शूज़ लिए हैं, एक हील्स लिए हैं और बाकी जो है वो स्लीपर और घर पहनने वाले शूज़ लिए हैं। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैंने कौन कौन से जो है वो लिए हैं। ओके, सबसे पहले जो है वो हम देखते हैं जो घर पहनने के लिए जो स्लीपर्स लिए हैं वो हैं ये पर्पल कलर में, और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगे थे। इससे पहले जो है वो मैंने दूसरे परचेज़ किए थे पर वो ना दिल को अच्छे नहीं लग रहे थे, तो उसके बाद जो है वो मुझे ये अच्छे लगे तो मैंने ये ले लिए थे। और बाद में ये वाला शूज़ लिया था मैंने एक, जो सर्दियों में ना काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। ये है जी मेरा दूसरा शूज़ जो कि मैंने लिया है, ये दो शूज़ हो गए। और इसके अलावा जो है वो मैंने लिए थे खुद से, यानी कि जो घंटा घर हैं जो मुल्तान जाते हैं उनको तो पता होगा कि वहाँ के जो खुस्से हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो अच्छे हैं, तो मैंने वहाँ से खुस्से लिया था। सबसे पहले है जी ये रेड वाला जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा था ये रेड कलर। इससे पहले लिया था मैंने ग्रीन कलर में, लेकिन उसको चेंज करके फिर मैंने लिया ब्लैक में, तो वो जो ब्लैक है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। ये है जी ब्लैक खुस्सा, ये है जी रेड, ये दो मैंने लिए थे खुस्से। 77 नंबर लिया है, हालांकि मुझे 8 नंबर आता है, क्यों तो आपको पता है कि जो खुस्से होते हैं वो थोड़े टाइम के बाद जो लूज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसीलिए जो है मैंने ये 7 नंबर लिया अपने से एक नंबर छोटा, ताकि जब मैं ये लूज़ हूँ तो मुझे ये अच्छे से फिट हो सके। तो जी उसके बाद जो है वो मैंने एक ली थी हील्स, एक नहीं दो लिए थे, तो एक जो है वो मैंने अभी संभाल के रख दिया है, तो वो मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूँगी जब मैं उसको पहनूँगी। तो ओके जी, ये हैं जी वाइट में, और वाइट जो है मुझे बहुत 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 मतलब चाहिए थी कि मेरे पास वाइट कलर का जो है वो शूज़ हो, तो ये मैं गई थी चेज़अप पे, तो मुझे वहाँ से ये शूज़ जो है वो पसंद आया था, तो मैंने ये ले लिया वाइट में और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। ओके जी, ये हैं मेरे शूज़ जो मैंने यहाँ से लिए थे, एक ये है एक ये है, दो मैंने आप लोगों के साथ ये वाले खुशी शेयर किए हैं जो मैंने लिए थे। उसके अलावा ये वाइट और एक हैं ब्लैक हील्स जो मैंने रख दिए हैं, वो मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूँगी। ओके जी, तो अब जो है मैंने जो ड्रेसेस लिए थे मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर देती हूँ। उसके अलावा जो है मैंने लिए थे स्टॉलर्स, वो मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर कर देती हूँ। चलें जी अभी जो है वो ड्रेसेस देखते हैं। चलें जी, अब ये वाला है हम लोगों के पास शॉपर, इसमें है जी ड्रेसेस। सबसे पहले है जी मेरे हस्बैंड का, तो मैं आप लोगों को उनका दिखा देती हूँ। तो ये उनका मैंने लिया है ग्रे कलर का, ये काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा था, और इसका जो स्टफ़ है ना वो है जी विंटर स्टफ़ जो कि आजकल जो है वो चल रहा है, तो इसीलिए जो है वो मैंने उनका जो है वो विंटर्स में लिया है ताकि जो ये वाला मंथ है वो पहन सकें इजीली। नहीं तो आप अगर ये अब स्टिच नहीं करवाएंगे तो नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह ज़िंदगी पर खैर, तो नेक्स्ट ईयर हम लोग जो है वो स्टिच करवा लेंगे। ये है जी मेरे हस्बैंड का। ओके जी, तो नेक्स्ट मैं आपको अपना दिखा देती हूँ। ये है जी मेरा पर्पल कलर में, तो ये सेम प्रिंटेड ट्राउज़र और शर्ट है, ये वाला प्रिंट है, और ये इसका है जी दुपट्टा। दुपट्टा जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा था, तो इसीलिए मुझे ये सूट जो है वो बहुत अच्छा लगा है, तो मैंने ये वाला सूट जो है वो मैंने परचेज़ कर लिया था। और ये मैंने लिए थे होल सेल शॉप से,
वहाँ पर मुल्तान जो गजेरी मार्केट है ना, वहाँ पर ये अवेल थे। जो वहाँ रहते हैं उनको तो पता ही है। और तो जी ये था मेरे छोटे सब लोग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून्ड। और दूसरा जो स्ट्रॉलर है वो है ये, यहाँ पर ग्रे शेड लग रहा है, पर एक्चुअल जो इसका कलर है वो है जी पिंक कलर में, लाइट पिंक कलर का। ये हो गए दुपट्टे, और इसके अलावा जो है वो एक शॉल मैंने ली थी, ये वाली, ये जी शॉल है इस तरह से, और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी शॉल थी जो मुझे लगी है। बस जी ये थी मेरी शॉपिंग जो मैंने ली थी। और हाँ, एक और चीज़ जो है वो रह गई है, वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये है जी रोटी डालने के लिए जो टोकरी टाइप जो बास्केट्स होती हैं, जो हॉट पॉट टाइप जैसे होता है, तो एक वो लिया था हम लोगों ने। और उसके अलावा जो है वो मैंने फ्रिज के लिए एक जो उसका रूफ़ कवर जो होता है वो मैंने लिया था फ्रिज के ऊपर रखने के लिए। ये वाला फ्रिज कवर जो है ये मैंने एक लिया था, क्योंकि ऊपर जो उसकी जो छत होती है ना फ्रिज की, वो बहुत मैली हो जाती है, तो इसलिए मुझे ये चाहिए था। तो बस ये थी जी मेरी शॉपिंग। अच्छा जी, तो नेक्स्ट है मेरे पास ये वाला अपना ड्रेस, और ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था। और ये भी ऐसी है सेम प्रिंटेड शर्ट, और ये है खद्दर स्टफ़ में स्पायर का, और उसके साथ जो दुपट्टा है वो शनील का दुपट्टा है, ये ब्लू डार्क ब्लू कलर का, और ये जो है स्काई ब्लू कलर की शर्ट, और ये इसका ट्राउज़र है। तो ये मुझे सबसे पहले यही पसंद आया था, तो मैंने ये वाला सूट जो है वो लिया था। और ये हैं जी मेरे दो ड्रेसेस जो मैंने लिए हैं। उसके अलावा जो है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपने स्टॉलर्स। सबसे पहले ये पूरा जो शॉपर है वो स्टॉलर्स और शॉल्स का है। ओके जी, सबसे पहले ये है रेशमी ब्लैक स्टफ़, और ये बहुत ही सॉफ्ट है, और देखते हुए भी आप लोगों को जो है वो लग रहा होगा कि ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट है स्टॉलर। और उसके बाद जी मैंने लिया था वाइट कलर का दुपट्टा, जो कि नॉर्मली बहुत यूज़ होता है, इसीलिए जो है मैंने परचेज़ कर लिया था, और मुझे ये चाहिए भी था। ये दो दुपट्टे हो गए, और उसके अलावा जो है वो मस्टर्ड कलर की मैंने ली थी शॉल। और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ जल्दी जल्दी में, क्योंकि अगर मैं इसको स्लोली स्लोली जो है वो मैं आप लोगों को हर चीज़ डिटेल ने बताना स्टार्ट कर दिया, तो ये वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और आप जो है वो बहुत बोर होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसलिए जो है वो जल्दी जल्दी में ऐसे ही आप लोगों को वीडियो जो है मैं दिखा रही हूँ बनाकर। ये है रिमास्टर्ड कलर की एक शॉल, और इस तरह की सेम जो शॉल्स हैं वो मैं अपनी सिस्टर्स और अपनी अम्मी के लिए भी लेकर आई थी, जो मैंने भिजवा दी है उनकी तरफ। और ये है जी एक स्टॉलर, ये वाला,